स्टूडेंट, आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11वीं कक्षा के जीव जगत के पाठ में दो लेक्चर पीछे हम आपको दिए थे, आज तीसरा लेक्चर है और इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। जातियों की संकल्पना एवं वर्गीय क्रमबद्धता यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वर्गीय के क्रमबद्ध समूह यानी हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जाति स्पीसीज के बारे में, जातियों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पीसीज सामान्य या देसी नाम, द्विनाम पद्धति, त्रिपद नाम पद्धति और नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम। इन बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। जीव जगत के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु हैं ये, इन पर चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले जो पहला बिंदु है, जातियों की संकल्पना एवं वर्गीय क्रमबद्धता। जाति की संकल्पना, पीछे हम आपको बताए थे कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं, वर्गीकरण के पिता जो है कैरोलस लिनियस के अनुसार किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो आज उसी क्रम में आगे हम जातियों की संकल्पना, एक स्पीसीज क्या होती है, जाति क्या होती है, जाति के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्गीकरण की जो जाति जो है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जाति जो है वो वर्गीकरण की एक सबसे छोटी इकाई होती है। जाति की संकल्पना के संदर्भ में सबसे पहले जाति शब्द जो है, ये जाति शब्द जॉन रे, एक साइंटिस्ट थे जॉन रे, 1693, ये साइंटिस्ट हैं जॉन रे, इनके द्वारा जाति शब्द का उद्बोध किया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो जाति शब्द है उसको सबसे पहले किसने खोजा था, किसने पॉइंट किया था, किसने दिया था। इसके बाद जाति को ये डिफाइन भी किए, परिभाषित किए कि जाति एक आबादी है और उसमें कह रहा है कि एक जनक से आए हुए जितनी भी संतानें होती हैं उनको एक जाति के रूप में देखा जाता है, यानी एक जनक है ना, जनक एक होंगे, जनक से जितनी, एक जनक से जितनी संतानें आती हैं उनको एक जात के अंतर्गत रखा जाता है, ये जॉन रे ने कहा था, ठीक है। आगे संकल्पना के तहत जो है आगे सुधार आता गया और 1942 में 1940 ये आपके मेयर नामक साइंटिस्ट थे मेयर, इनके द्वारा जात की जो डेफिनेशन दिया गया, इन्होंने कहा कि जाति जो है वो प्रकृति में मतलब नेचर के अंदर जो दो जीव जो है आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें, लैंगिक सहवास कर सकें, अंतरा प्रजनन कर सकें, उनको एक जात के अंतर्गत रखते हैं। इनका कहना था कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से दो जंतु जो है आपस में रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक सहवास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें, ठीक है ना, तो इनको हम एक जात की संज्ञा देते हैं। ये तो बात हुई जात की। अब देखिए, जात को डिफाइन करना बहुत सीमित दायरा नहीं है, जात को डिफाइन करने के लिए तमाम बिंदुओं को देखना पड़ेगा, जंतु के बाह्य संरचना आकारकी को देखना पड़ेगा, उसके मॉर्फोलॉजी को देखना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ उसके व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके विकास के बिंदुओं को देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा,
तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम जात को डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि जैसे कुछ ऐसे साउंड भी होते हैं जिससे हम उनके व्यवहार का पता चलता है, किसी भी जंतु के व्यवहार का पता चलता है। इस तरह से तमाम ऐसे छोटे कीट कीट जो पौधे कीट जंतु होते हैं इंसेक्टा वर्ग के तहत, तो वो एक मौसम में रिप्रोडक्शन के लिए नर और मादा जो है वो मादा को अट्रैक्ट करने के लिए नर जो है एक तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड या आवाज उत्पन्न करता है जिससे जो अट्रैक्शन बढ़ता है और लैंगिक सहवास होता है। तो ये भी जो ये जितने भी बिंदु आते हैं ये जात को डिफाइन करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह। देखिए वर्गीकी के हिरैची ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, ये है आपका वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह या कैटेगरीज। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह होते हैं कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है सबसे पहले वर्गीकी क्रमबद्ध समूह को 6 श्रेणियों में बताया गया था। कितनी श्रेणियां हमने बोला, 6 श्रेणियों में। 6 जो श्रेणी है उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने कहा था सबसे पहले कि मैमल्स, स्तनधारी, एम्फीबिया, एविज, पीसेज, ठीक है, इसके बाद इंसेक्ट और वर्मिस के बारे में कहा था। यानी 6 श्रेणियां इन्होंने कैरोलस लिनियस के द्वारा बताया गया, स्तनधारी, इसके अलावा उभयचर, ठीक है, पक्षी वर्ग, साथ ही साथ मछली वर्ग, मत्स्य वर्ग और कीट वर्ग और वर्मिस वर्ग के बारे में इन्होंने जानकारी दिया था। इसके बाद धीरे धीरे वर्गीकरण की मतलब और जब विस्तार पूर्वक हम स्टडी किए वैज्ञानिकों के द्वारा तो 7 श्रेणियां बताया गया, ठीक है, कितनी श्रेणियां, 7 श्रेणियां। ये श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां जो 7 श्रेणियां बताई गई इसके बारे में लिनियस का भी सपोर्ट है और बाद में लिनियस ने भी कहा कि वर्गीकरण की 7 श्रेणियां होती हैं जिसमें कि किंगडम, ठीक है, किंगडम, किंगडम हो गया, फाइलम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ठीक है ना। ये जगत हो गया, जगत हिंदी में भी लिख देते हैं, ये संघ है, ये वर्ग है, ये गण है, ये कुल है, है ना, और ये वंश है और ये जाति है। लिनियस के अनुसार भी 7 श्रेणियों के बारे में बताया गया है कि 7 श्रेणियां होती हैं जिसमें कि सबसे बड़ी जो श्रेणी होती है, बड़ी इकाई होती है, आप यूनिट कह सकते हैं, बड़ी इकाई आपका किंगडम होता है, ये किंगडम जो है, और सबसे छोटी इकाई आपकी स्पीसीज होती है, ये जाति होती है, ठीक है। तो ये कैटेगरी बनाया गया, क्या बनाया गया, कैटेगरी, और इस कैटेगरी के तहत आप देखेंगे अगर इसको आप इस तरह से एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनती है, यानी फाइलम, सॉरी, ये किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। क्या कहा हमने, देखिए ये कैटेगरीज हैं, सबसे बड़ी इकाई इसमें आप देखेंगे कि किंगडम है और सबसे छोटी इकाई जो है स्पीसीज है, ठीक है। तो इस तरह से लिनियस के अनुसार या आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकरण में 7 इकाइयों की बात की गई है, सबसे बड़ी इकाई किंगडम है और सबसे छोटी इकाई जो है आपकी स्पीसीज है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे किसी का आप क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है,
जैसे मान लीजिए आप मनुष्य का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये मनुष्य का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो इसमें देखेंगे मनुष्य का जो किंगडम होता है, ठीक है, उसी के सामने लिखते जाते हैं, ये आपका एनिमेलिया होता है। क्या होता है? एनिमेलिया। फाइलम जो मनुष्य का होता है, फाइलम, फाइलम है आपका कॉर्डेटा, यानी कॉर्डेटा होता है ये, और क्लास मैमेलिया, मैमेलिया। आर्डर जो है आपका प्राइमेट होता है, प्राइमेट। फैमिली जो है होमोनिडी है। क्या है? होमोनिडी, होमोनिडी। जीनस होमो, ठीक है, और स्पीसीज का है सैपियंस, सैपियंस, ठीक है। तो होमो सैपियंस, ये आप देखिए इस मनुष्य का जब क्लासिफिकेशन हम करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो इसका एनिमेलिया जगत होता है, कार्डेटा फाइलम है, मैमेलिया प्राइमेट्स आपका आर्डर है, फैमिली आपकी ह्यूमैनिटी है, और जीनस होमो और स्पीसीज जो है जाति, ये सेपियंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्गीकी के क्रमबद्ध समूहों का स्टडी करते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, वर्गीकी संवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो इसी को आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के रूप में, यानी क्लासिफिकेशन में देखा जाता है कि एक क्रम होता है, एक टैक्सान होता है, ठीक है, एक आरोही क्रम में क्लासिफिकेशन की इकाइयां होती हैं, एक अवरोही क्रम में होती हैं। जैसे हम नीचे से ये स्पीसीज, स्पीसीज ये आपका हो गया, इसके बाद जीनस आता है, जीनस, जीनस के बाद आपका फैमिली, फैमिली, फैमिली के बाद आर्डर, आर्डर यानी क्लास, और क्लास के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे नीचे स्पीसीज है, तो ये जो आपकी दिशा हमने दिखाई आरोही क्रम में, यानी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसको दिखाया गया है, सबसे छोटी इकाई स्पीसीज है, और समान जो जंतु होते हैं आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, या फिर उनकी संरचना और कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स में समानता है, तो उनको हम एक जात में रखते हैं, समान जाति वाले सदस्यों को एक जीनस यानी वंश में रखते हैं, समान वंश वाले सदस्यों को एक फैमिली में रखते हैं, समान फैमिली वाले सदस्यों को एक आर्डर में रखते हैं, एक समान आर्डर वाले सदस्यों को एक क्लास में रखते हैं यानी वर्ग में, और समान वर्ग वाले जंतुओं को एक फाइलम यानी संघ में रखते हैं, समान संघ वाले सदस्यों को एक किंगडम में रखते हैं। अर्थात एनिमेलिया जो किंगडम है वो उसमें सभी के सभी जंतु आते हैं, अर्थात सबसे बड़ा जो इकाई है वो किंगडम एनिमेलिया है, और सबसे छोटी इकाई जो है आपकी स्पीसीज है। इसके बाद हम जाति को डिफाइन करेंगे। जाति को डिफाइन करने के लिए वैज्ञानिक जो है तमाम अपने अपने फार्मूले दिए हैं, लेकिन जात को परिभाषित करने के लिए कई बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी वे जंतु जो आपस में इंटरब्रीड करते हों, वे जंतु जो प्रकृति में लैंगिक स्वतंत्र रूप से लैंगिक सहवास करते हों, वे जंतु जो एक ही जनक से आते हों, वे जंतु जो, वे जीव जो आपस में व्यवहारिक रूप से आपस में उनके अंदर समानता हो, साथ ही साथ और सारे बहुत से बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम जात को डिफाइन करते हैं। इसके बाद बात जो अगला पॉइंट आता है, जातियों का नामन नामन नामकरण या नामन क्लेचर ऑफ स्पीसीज। देखिए नामकरण क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी जीव है उसका एक नाम होना चाहिए, ठीक है, कितने नाम होने चाहिए, एक नाम, और हम नामकरण उस जाति का, उस जंतु का करते हैं, और उसको एक विशेष
वर्ग के अंदर या फिर जिस समुदाय में या संघ में जहां भी रखना हो उसको हम रखते हैं। तो नामकरण जरूरी होता है। इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी जंतु या पौधे का एक नाम होना चाहिए जिससे कि अलग अलग देशों में उसको एक ही नाम से वैज्ञानिक जाने या फिर उस पर शोध कार्य करें, तो एक नाम जो है वो क्लियर कट होना चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि सामान्य देसी नाम, जैसे कुछ जंतुओं के बारे में कहा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम गौरैया को लेते हैं, ये गौरैया है, और इसकी बात जब करते हैं तो गौरैया को भारत में गौरैया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी गौरैया को इंग्लैंड में जो है स्पैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैरो। जर्मन वाले हस्परलिंग कहते हैं, है ना। इसके बाद जापान के लोग जो है सुजुनु कहते हैं, कोई पर्डल कहता है, कोई मुस्च कहता है। तो गौरैया तो एक है, लेकिन उस एक गौरैया के कई नाम या लोकल नाम या देसी नाम के नामों से जाना जाता है। फिर भी एक उसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे उसको जाना जाता है उसी नाम के द्वारा। इसके बाद आता है द्विनाम पद्धति, बायोनामियल नामनक्लेचर। देखिए, कैरोलस लिनियस को ऐसे ही नहीं क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य किए और वो द्विनाम पद्धति भी दिए, बायोनामियल नामनक्लेचर दिए। द्विनाम पद्धति क्या होता है? इस पद्धति के अनुसार लिनियस ने कहा कि इस पद्धति के अनुसार किसी भी जंतु या पौधे का नाम दो नामों से मिलकर बना होता है, एक नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसके जाति का होता है। ठीक है, यानी एक नाम उसके वंश का होगा और दूसरा नाम उसके जाति का होगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर मानव प्रजाति में भी देखेंगे कि मनुष्य के मनुष्य में पिता के नाम पुत्र के नाम के साथ जो है पिता का नाम जोड़ा जाता है, यानी ये पहले से ट्रेडिशन चली आ रही है। उसी तरह से किसी भी जंतु का वानस्पतिक नाम जो है वो द्विनाम पद्धति के अनुसार होता है। जंतु वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार होता है, पहला नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसके जाति का होता है। बायोनामियल नामनक्लेचर में एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जैसे राना टिग्रीना, ठीक है, ये राना टिग्रीना या ब्रेसिका कंपेस्टिस, ये ब्रेसिका कंपेस्टिस, राना टिग्रीना किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है आप जानते होंगे, लगभग सभी लोग जानते होंगे, है ना। किसका है? मेंढक का होता है, यानी ये भारतीय मेंढक या मेंढक का है। साथ ही साथ ये ब्रेसिका कंपेस्टिस किसका है? बोलिए, सरसों का है। ठीक है, तो आप इसको जानते होंगे। अब इसमें आप देखिए, इनके अनुसार द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या है कि पहला नाम उसके वंश का है, तो ये देखिए राणा जो है आपका वंश हो गया, क्या हो गया? वंश। और दूसरा नाम टिग्रीना है, टिग्रीना जो है ये क्या हो गई? जाति का नाम, इससे जात का उद्भूत होता है। ठीक है, अब राना में कह रहा है कि आर जो है पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो दूसरा ये टिग्रीना है जो जात का नाम है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ये स्मॉल लेटर से होगा और ये क्या होगा? ये कैपिटल लेटर से होगा, कैपिटल लेटर से। क्लियर। उसी तरह से ब्रेसिका कंपेस्टिस में ब्रेसिका जो है बी कैपिटल लेटर से और सी जो है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। आगे चल करके देखिए, आगे चल करके और भी खोजें चलती रही और द्विनाम पद्धति के बाद त्रिपद नाम पद्धति का भी आविष्कार हुआ, ट्राइनोमियल नामनक्लेचर। ठीक है ना, ये सामने दिया गया है त्रिपद नाम पद्धति, ट्राइनोमियल नामनक्लेचर। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एक कौवा है, कौवा जो है उसका अगर जंतु वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो कौवे का है कार्वस स्प्लेंडेंस। क्या नाम है? कार्वस, ये है आपका कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। ठीक है, कार्वस स्प्लेंडेंस, कार्वस स्प्लेंडेंस, ये द्विपद नाम पद्धति के हिसाब से है।
ठीक है। लेकिन त्रिपद नाम पद्धति अब इस स्प्लेंडेंस में भी, जैसे कौवे में भी कुछ ऐसी संरचनाओं में भेद हुआ उसकी आकृति में, उसके आकार में, कि उनको उपजातियों में यानी सब स्पेसीज में बांटना पड़ा। किस में बांटना पड़ा? सब स्पेसीज इसको बोलते हैं। तो जैसे भारत का कौवा कुछ और है, बर्मा का और है, श्रीलंका का और है, ठीक है, उसके नाम में डिफरेंस है, उसके उपजातियों में अंतर है। तो वो आप देखेंगे, जैसे भारतीय जो कौवा है यानी इंडियन जो कौवा है उसको कार्वस कार्वस स्प्लेंडेंस 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लेंडेंस, कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये भारतीय कौवा है। इसके बाद बर्मा का जो कौवा है इसको बोलते हैं कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ये है आपका इंसोलेंस इंसोलेंस, ये बर्मा का कौवा है। लेकिन यहीं पे एक कौवे का जो प्रजाति है आपका लंका के अंदर, श्रीलंका में, तो उसको कहा जाता है कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस। क्या बोलते हैं? प्रोटीगेटस, ठीक है। तो आप देखिए ये तीन जो है कौवे की ही उपजातियां हैं, लेकिन ये भारत में पाई जाती है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, बर्मा में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, उसको दूसरे नाम से त्रिपद नाम पद्धति के तहत हम जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, ठीक है। नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नामनक्लेचर, तो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नामनक्लेचर के तहत बताया गया है कि कोई भी जंतु है उसको इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके कुछ नियम बनाए गए हैं IUCN के द्वारा, जो है उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार ही हम उस जंतु का नामकरण रखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि जो नाम रखा जाता है, जो नाम दिया जाता है, वो छोटा नाम होना चाहिए और सामान्य नाम होना चाहिए, बहुत लंबा नाम बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको सीधी भाषा में, सीधे अक्षरों में हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि ये नाम जो है, जो आप नाम दे रहे हो, वो नाम द्विनाम पद्धति या त्रिपद नाम पद्धति के अनुसार हो, ताकि उनको आसानी से हम लिख पढ़ सकें। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जो द्विपद नाम पद्धति है उसके जो नाम होते हैं वो तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। किस अक्षरों में लिखे जाते हैं? तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम दिए जाते हैं वो एक तरह से वैज्ञानिकों के द्वारा। अच्छा, एक चीज और बताया गया है कि अगर नाम कई नाम एक ही जैसे आते हैं, ठीक है, नाम एक ही नाम है और कई लोगों ने दिया है, तो उसमें पहला जो साइंटिस्ट होता है वो नाम जो देता है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन के तहत हम आपको इन बिंदुओं पर चर्चा किए, जाति की संकल्पना, वर्गीकी के क्रमबद्ध टैक्सॉन यानी वर्गीकी के संवर्ग, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, स्पेसीज है, नामकरण है, सामान्य या देसी नाम है, द्विपद नाम पद्धति, त्रिपद नाम पद्धति और नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, तैयार कर लीजिएगा, नोट्स भी तैयार कर लेंगे और आगे हम फिर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।